हाय एवरीवन, सो सुष्मिता सेन का बिफोर एंड आफ्टर देखिए, कैटरीना कैफ का बिफोर एंड आफ्टर देखिए, ऐश्वर्या राय का बिफोर एंड आफ्टर देखिए, और फाइनली राखी सावंत का बिफोर एंड आफ्टर एंड आयशा टाकिया का बिफोर एंड आफ्टर। इन सब ने ऐसी कौन सी ब्यूटी मिस्टेक करी है कि एवरी वन ऑफ देम हैव एक्चुअली रुइंड देयर फेस। वेल, ओवर डन फिलर, यानी कि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा फिलर अपने फेस में दलवा लिए हैं। नाउ कैटरीना कैफ, यू जस्ट चेक इट आउट, जब भूतनाथ की शूटिंग थी तो इन्होंने ओवर डन फिलर्स कराए थे इस तरीके से, बट लेटर इन्होंने इसको डिसॉल्व करा लिया। आई डोंट नो व्हाई अदर्स आर नॉट गेटिंग इट डिसॉल्व। सो लेट्स डिस्कस ये क्या ब्यूटी मिस्टेक है और आप इसको कैसे ना करें। सी, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एजिंग कैसे होती है। जब आप यंग होते हैं तब आपका एप्पल ऑफ द चीक होता है, सो दिस इज अ साइन ऑफ यूथ। जैसे जैसे एजिंग होती है आपका वॉल्यूम लॉस, फैट लॉस होता चला जाता है और ये फ्लैट होता चला जाता है, फ्लैट होता चला जाता है, नीचे गिरता चला जाता है। तो जब फ्लैट हो जाते हैं आपके चीक्स, हॉलो हो जाते हैं, समथिंग लाइक दिस, हॉलो चीक्स, तो आप मैच्योर दिखते हो, एजड दिखते हो। तो अगर हम ये जो एप्पल ऑफ द चीक है यहाँ पे वॉल्यूम फिर से फिल कर दें, मतलब तो फिर हम वापस यूथफुल लगेंगे, बहुत मोर प्रेजेंटेबल लगेंगे। तो ये करते कैसे हैं, फिलर से। फिलर आप देख सकते हो कि एक ये थिक ट्रांसपेरेंट जेल है जो बनी बनाई सिरिंजेस में आता है, जिसको हम चीक्स में ऐसे फिल कर देते हैं। चीक्स में भी फिल कर सकते हैं, अंडर आई के अंदर भी, लिप्स में भी, यहाँ पर भी, चिन में भी, जॉ लाइन में भी, हर जगह हम फेस में फिल कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी वॉल्यूम लॉस हुई है। नाउ ये 1 ml की एक सिरिंज होती है, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर हम 1 या 2 ml बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिलर डालते हैं पूरे फेस में, तब तो इट इज अ गुड थिंग, नेचुरल रिजल्ट देगा, आप ज्यादा अच्छे दिखेंगे। जहां आपने जरूरत से ज्यादा फिलर डाल दिया वहां आप बहुत वियर्ड दिखेंगे। और होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इंजेक्ट कर रहे हो उस वक्त आपको लगता है कि ज्यादा डाल दो, जो असली रिजल्ट है वो 1 से 2 महीने बाद आता है, सडनली यू सी कि इतना ज्यादा फेस जो है वो फूल गया है। तो इंजेक्टर के ऊपर है कि वो कम फिलर डाले। ऑफकोर्स होता क्या है कि कुछ पेशेंट्स दे एक्चुअली फोर्स द डॉक्टर टू पुट मोर एंड मोर। ये डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि नहीं, लेस इज मोर, लिमिटेड अमाउंट आपको नेचुरल और अच्छा रिजल्ट देगा। ओवर डन फिलर्स, बहुत ज्यादा फिलर्स डाल देंगे तो जब स्माइल करते हैं तो आईज छोटी दिखती हैं, समथिंग लाइक दिस। कैन यू सी व्हेन कैटरीना कैफ इज स्माइलिंग, आईज कितनी छोटी दिख रही हैं। सो आपने चीक्स के अंदर लिमिटेड फिलर अगर आप डाल रहे हैं, इट इज अ गुड थिंग। 1 साल बाद जब वो डिजोल्व हो जाए, 1.5-2 साल के बाद जब वो डिजोल्व हो जाए, देन यू गेट इट रिफिल्ड। आप हर 6 महीने में रिफिल कराए जा रहे हो, एक्यूबुलेट होके इतना ज्यादा प्लम्प होता जा रहा है, दैट इज समथिंग रॉन्ग। या तो इन्होंने फर्स्ट गो में बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा फिलर डलवा लिया है, या वो 1.5 साल उसको पहले पुराने को डिजोल्व होने दो फिर नया डलवाओ। वो टचअप हर 6-6 महीने में टचअप करवाए जा रहे हैं और डाले जा रहे हैं, तो एक्यूमुलेटेड बहुत सारा फिलर हो गया है। सो कोई भी ब्यूटी प्रोसीजर है उसको अगर नेचुरल वे में, लिमिटेड वे में करा जाए, इट इज अ गुड थिंग, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड। बट अगर उसको आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, यू आर गोइंग ओवर बोर्ड विद एनीथिंग, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो लिमिटेड अच्छी है, अगर आप एक्सट्रीमली एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो गलत है ना। आप डाइटिंग कर रहे हो, अच्छी चीज है, आप एक्सट्रीम लेवल की डाइटिंग कर रहे हो तो वो गलत है ना। सेम आर विद दीज थिंग्स आर गुड, बट आप जब एक्स्ट्रा करा लेते हो, यू डोंट लिसन टू योर डॉक्टर और यू डोंट गो टू द एक्सपीरियंस डॉक्टर, दिस इज वॉट हैपन्स। सो नाउ अगर ओवर डन फिलर्स हो भी गए हैं, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइलुरोनिडेज इंजेक्शन, जिसको आप इंजेक्ट कराकर उनको डिसॉल्व करवा लो। सो दैट इज द थिंग, ऑब्वियसली ओवर डन पहले कराना नहीं चाहिए, बिकॉज आप डिसॉल्व करा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेचुरल हाइलुरोन भी अपनी स्किन का डिसॉल्व कर रहे हो, बट एनी वेज इट्स बेटर देन कैरिंग एन ओवर फिल्ड फेस। सो फिलर्स आर गुड, बट लिमिटेड फिलर्स एंड गेट अ टच अप डन ओनली व्हेन 1-1.5 to 2 years हैव पास्ड बाय, वो पुराने वाला डिसॉल्व हो गया है, तभी आप दोबारा रिफिल करवाओ। फाइन, सो डोंट गेट स्केयर्ड व्हेन यू सी ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस हैपनिंग। दिस इज लाइक, ऐसा नहीं होता है कि जो सेलिब्रिटीज कर रहे हैं वही नॉर्मल बंदे के साथ होता है, इवन सेलिब्रिटीज कैन गो रॉन्ग, सो दैट्स फाइन। सो अगर आपको भी स्किन एंड हेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू विजिट माई इंस्टाग्राम Dr.Anvika, जहाँ आपको स्किन एंड हेयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी एंड प्रोसीजर रिलेटेड। विजिट Dr.Anvika.com, जहाँ आप डा स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, फॉर्मुलेटेड बाई मी विद द राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट इंग्रीडियंट्स, सो दैट यू गेट द राइट रिजल्ट। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।